हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री जो कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में जो महाजनपद और उसकी जो राजधानी है उसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और इस लेक्चर का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे जुड़िए। तो महाजनपद और उसकी जो राजधानी है इसके बारे में विस्तार से तो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो महाजनपद है उसे किस कैसे महाजनपद को क्या कहा जाता है, इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि जो महाजनपद की है परिभाषा, प्राचीन भारत में जो राज्य हैं या फिर जो प्रशासनिक जो इकाइयाँ थी उन्हीं को महाजनपद कहते थे। और उत्तर वैदिक काल में जो कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म में, इस बौद्ध जो ग्रंथ है इसमें कई बार उल्लेख देखने को मिला। और बुद्ध का जो जन्म था इसका जो पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो था ये 16 जनपदों में बटा था। तो इस दृष्टि से भी महाजनपद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में जो महाजनपद है ये आपने देखा कि 16 जनपदों में बटा हुआ था, तो 16 जनपद ये आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है जो भारत का जो यहाँ पे 16वीं जो शताब्दी थी यानी जो गौतम बुद्ध का जन्म था उससे पहले का ये मैप दिख रहा है। और जो महाजनपद का इतिहास है, महाजनपद का इतिहास प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो यह काल है प्रायः प्रारंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का जो विकास हुआ उसी के लिए जाना जाता है। और इसी समय में बौद्ध और जैन सहित अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का विकसित हुआ यानी विकास हुआ। और जो अधिकांशतः महाजनपदों का पर जो राजा का शासन रहता था, परंतु जो गण और गण यानी जो लोग थे और संघ यानी ग्रुप है इनके नाम से प्रसिद्ध राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। और जो इस समूह का जो हर व्यक्ति राजा कहलाता था। और भगवान महावीर और महावीर जो भगवान बुद्ध थे इन्हीं गुणों से संबंधित थे। और जो वज्जी संघ है, वज्जी संघ हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, तो इस तरह जो वज्जी संघ है कि तरह ही कुछ राज्यों में जमीन सहित आर्थिक स्रोतों पर राजा और जो गुण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और जो भी लिखा हुआ है उसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और बाद में इसका PDF आप जरूर रिवाइज कीजिए, तभी आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है अच्छा से समझ में आ जाएगा। महाजनपद की राजधानी, जो हर एक महाजनपद था इसका एक राजधानी होता था और किले से घिरा दिया जाता था। जो किले बंद राजधानी को देखभाल सेना नौकरशाही के लिए भरी जो भारी धन था उसका जरूरत होता था। संभवतः जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र जो धर्मशास्त्र था उसके ग्रंथों की रचना जो है वो शुरू कर दिया था। और जो शासन था, शासक जो था, जो राजा था, वो किसानों व्यापारियों और जो भी शिल्पकारों से कर और भेंट वसूलता था। और जो संपत्ति जुटाने का एक उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर धन एकत्रित करना था। तो जैसे ही कोई किसी राजा के पास धन कम होना था तो वो दूसरे राज्य पर हमला करता था और वहाँ से धन लेकर आता था अपने राज्य में। और जो कुछ राज्य अपनी स्थायी सेनाएं जैसे नौकरशाही तंत्र भी रखते थे और कुछ राज्य सहायक सेना पर निर्भर रहते थे। और जिन्हें यहाँ पे कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था यानी जो खेती करते थे उन्हीं के जो लोग होते थे उन्हीं से ये सहायक सेना बनाया जाता था जो कि राज्य के देखभाल में जरूरी काम करते थे। जो महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण थे और विशेषताएं थे यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिस्कस करते हैं। बौद्ध और जैन के जो आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद के नाम है वो 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। और जो सामान्यतः इन महाजनपदों के नाम इन ग्रंथों से समान नहीं थे यानी मिलते नहीं थे, तो भी वज्जी
मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंगाधर और अवंती जैसे नाम एक जैसे हैं और इससे यह संकेत मिलता है कि यह महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण रहे होंगे, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी इसी का जनपद का नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एक एक करके विशेषताएं यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लगभग 6 से 7 विशेषताएं हैं। अब एक एक करके देखते हैं, जो अधिकांश महाजनपदों पर एक राजा का शासन होता था, परंतु गण और संघ के नाम से विख्यात राज्यों पर कई लोगों का समूह शासन करता था और जो इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा होता था और भगवान महावीर, और जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने शुरू में देखा है कि भगवान महावीर और भगवान बोध इन्हीं गुणों से गण, यानी इन्हीं जो ग्रुप होता था इन्हीं से संबंधित है, और जो वज्जी संघ था तथा कुछ अन्य राज्यों के भूमि जो सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजाओं का सामूहिक नियंत्रण होता था, यानी राजाओं का डायरेक्ट कंट्रोल होता था, जहाँ से आर्थिक स्रोत मिलते थे, यानी धन मिलता था, कर मिलता था, तो उस पर राजाओं का डायरेक्ट कंट्रोल रहता था। इसके बाद से जो दूसरा यहाँ पे विशेषता है कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो हमेशा किले से घिरी होती थी और किलेबंद राजधानियों के रख रखाव प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी। तीसरा पॉइंट यहाँ है कि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मण जो थे उन्होंने संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू कर दी थी। इनमें शासन जो था सहित अन्य सामाजिक वर्णों के लिए नियमों का निर्धारण किया जाता था, यानी कौन सा वर्ग क्या काम करेगा, सब कुछ का उल्लेख इसमें मिलता था जो कि संस्कृत धर्मशास्त्र लिखा जाता था। और यह एक उपेक्षा की जाती थी कि जो शासक है वो क्षत्रिय वर्ग से ही हो। यहाँ पे कुछ और भी विशेषता है, जैसे शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर और भेंट वसूल करना माना जाता था, और यहाँ पे धन जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करता था, और यहाँ पे आक्रमण जो था ये वैध माना जाता था, यानी सही माना जाता था। धीरे धीरे जो थे वो कुछ राज्य ने अपनी अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए और शेष राज्य थे जो अभी भी सहायक सेना पे निर्भर थे, और सैनिक हमेशा कृषक वर्ग से भर्ती किए जाते थे। इसके बाद से यहाँ पे और यहाँ पे जो 16 जो हमारा महाजनपद था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ इस जो टॉपिक है महाजनपदों से हमेशा 1-2 क्वेश्चन PCS में आ ही जाते हैं। पहला है अवंती, आधुनिक मालवा का प्रदेश जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। दूसरा है अस्यमक और अस्यक, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच अवस्थित इस प्रदेश की राजधानी पाटन थी। अंग महाजनपद, वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले, इसकी राजधानी चंपा थी और जो कंबोज था ये पाकिस्तान का हाजरा जिला का था, ये भी एक महाजनपद है। काशी जो है इसकी राजधानी वाराणसी थी और वर्तमान की जो वाराणसी है और आसपास का क्षेत्र है इसमें सम्मिलित रहा था। कुरु महाजनपद आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश से शामिल था और इसकी राजधानी आधुनिक दिल्ली इंद्रप्रस्थ थी। कौशल जो था ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला, गोंडा, बहराइच के क्षेत्र शामिल थे और इसकी राजधानी शाश्वती थी। अगला यहाँ पे और भी यहाँ पे महाजनपद है, जैसे कि गांधार जो कि पाकिस्तान का जो पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र था ये था स्थित, और इसे आधुनिक कंदनहार से जोड़ने की गलती कई बार लोग करते थे, लेकिन वास्तव में इस क्षेत्र में कुछ दक्षिण में स्थित था। चेंदी जो है वो वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका है। वज्जी या फिर विज्जी यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था जो बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था और इसकी राजधानी वैशाली बताई जाती थी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जैसे जिले शामिल है। वत्स्य या फिर वंश ये महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में स्थित है।
पंचाल जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। मगध बहुत ही बड़ा यहाँ पे महाजनपद था और बाद में चलकर इसका साम्राज्य और भी फैलते गया, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो दक्षिण बिहार में अवस्थित था और शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया। आधुनिक पटना तथा गया जिले और आसपास का जो क्षेत्र था मगध में ही शामिल थे। वह मत्स्य या फिर मच्छ ये महाजनपद इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले जैसे शामिल थे। मल यह भी एक गण संघ था और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके इसके क्षेत्र थे। सूरसेन या सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने महाजनपद का और उसकी राजधानियों के बारे में अच्छा खासा यहाँ पे जानकारी प्राप्त किया और कॉन्सेप्ट करने की कोशिश की। अगले पार्ट में हम लोग सबसे जो शक्तिशाली साम्राज्य है मगध, उसका उदय के बारे में पढ़ेंगे, फिर मगध का विस्तार कैसे होता है और जो प्रमुख शासक थे और वंश थे जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनांग वंश, नंद वंश, ये सब कुछ हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे ताकि किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन आता है तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।